ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 7 अप्रैल 2020 मंगलवार का दिन है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। व्रत की पूर्णिमा इस दिन रहेगी। जो लोग प्रत्येक माह की पूर्णिमा का व्रत करते हैं उनको इस पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। रेणुका जयंती का पर्व भी इस दिन रहेगा। उत्तरा फाल्गुनी नामक नक्षत्र कन्या राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की अगर हम बात करें तो उत्तर दिशा में रहेंगे, इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो गुड़ खा करके यात्रा शुरू कर सकते हैं। राहुकाल जो कि दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए। दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव मीन राशि में, चंद्रमा जो कि कन्या राशि में, मंगल ग्रह मकर राशि में, बुध कुंभ राशि में, देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में, शुक्र वृषभ राशि में, शनिदेव धनु राशि में, राहु मिथुन एवं केतु धनु राशि में विद्यमान रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार मेष मिथुन सिंह कन्या और वृश्चिक ये 5 राशियां सबसे ज़्यादा भाग्यशाली रहने वाली है। इन 5 राशि वालों को सबसे अधिक लाभ या फायदे के संकेत प्राप्त हो सकते हैं। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आपके लिए दिन शुभ रहेगा। धन लाभ या धन लाभ के संकेत आपको प्राप्त होने वाले हैं। कम मेहनत में भी ज़्यादा पैसा मिलने का योग बन रहा है। पैसों के कुछ मामलों में किस्मत का साथ मिलेगा। किस्मत के भरोसे होने वाले रुके हुए काम भी पूरे हो जाएंगे। आप ज़्यादा उत्साही और स्फूर्तिवान रहेंगे। दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील रहेंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। किसी के सामने मन की बात बहुत अच्छे से आप व्यतीत कर पाएंगे। लंबी चर्चा होगी, बिगड़े रास्ते सुधर जाएंगे। नजदीकी रिश्तों में भी तनाव समाप्त होने का योग है। पारिवारिक मामलों में ज्यादा समय देना होगा। सुखद और फायदेमंद काम आपके द्वारा होने वाले हैं। उपाय के रूप में 1 लाल फूल देवी जी को चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 4 होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। प्रेमी या जीवन साथी को समय अवश्य दे। परिवार और पैसों से जुड़े मामलों पर आज आपको खास ध्यान देना पड़ेगा। आपके मन में कोई भी संदेह है तो वो साफ हो जाएगा। नज़दीकी लोगों को आपकी कितनी जरूरत है आज आपको पता चलेगा। हर चीज़ आपके सामने आएगी। खुद में नियंत्रण रखें। गुप्त विद्याओं में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। कारोबार में आपको गोपनीय रूप से सपोर्ट या सहयोग प्राप्त होगा। आपकी बातों को महत्व मिलेगा। आक्रामक रवैया आपको छोड़ देना चाहिए। जल्दबाजी बिल्कुल न करें। और उपाय के रूप में यदि आप चावल का उपयोग खाने में करेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 2 होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। आपको फिर से कुछ नया सोचना चाहिए। आर्थिक मामलों में उन्नति होगी। परिवार पर ध्यान आप देंगे। संतान के साथ समय बिताने से खुशियां मिलेगी। धन लाभ होगा। प्रमोशन या बड़े फायदे में मन आपका उलझ सकता है। आज आप उसके लिए पूरी ताकत लगा देंगे। अतिरिक्त धन की प्राप्ति आपको होगी या धन प्राप्ति के संकेत मिलेंगे जिसके दम पर आपको थोड़ी राहत मिलेगी। आज आप थोड़ा आराम कर ले अच्छा रहेगा। कोई कुछ भी सोचे या कोई कुछ भी करे, आप वही करें जो आपकी नज़र में ठीक हो। आप मेहनत अधिक करेंगे उससे आपको ही फायदा मिलेगा। और उपाय के रूप में हरे धनिये का उपयोग भोजन के साथ करना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 1 होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है या नया काम शुरू हो सकता है। बेरोजगार लोगों के रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। आज आप नए लोगों से जुड़ेंगे। किस्मत का साथ मिलेगा। कार्य कुशलता आपकी बढ़ेगी। अपने संबंधों से आप हर काम को निपटा लेंगे। जिस प्रोजेक्ट पर आप काफ़ी मेहनत करेंगे उसका फायदा आपको ही मिलेगा। घर से ही कोई नया काम आप शुरू कर सकते हैं। आप बहस करने के मूड में नहीं रहेंगे। जब आप बातें करेंगे तो आपके बोलने के तरीके से ही लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। पैसों की स्थिति पर विचार आपको करना चाहिए। कारोबार आपका बढ़ने वाला है। और उपाय के रूप में यदि आप मां दुर्गा जी को कोई भी मीठी वस्तु चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 3 होगा।
अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। दांपत्य जीवन में सुख मिलेगा, परिवार के साथ किसी खास मामले पर सलाह मशवरा होगा, कारोबार और नौकरी में मेहनत ज्यादा होगी और आपको ही फायदा होगा। कोई खास बात शेयर करने या किसी से सलाह लेने के लिए दिन अच्छा है। आज आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो आपके लिए मददगार साबित होंगे। बहुत से लोग आपके विचारों और बातों से सहमत होंगे। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा आप भी अपने कामों में आगे बढ़ते जाएंगे। आपको एक साथ कई प्रकार के काम करने पड़ेंगे। जिन लोगों से मिलेंगे उनसे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। हर बात में यथार्थवादी रहे, कहीं घूमने जाने की इच्छा होगी। ऑफिस या कार्यक्षेत्र में नई योजना बना सकते हैं। उपाय के रूप में भोजन के बाद सौंफ खाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 6 होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। अचानक धन लाभ या धन लाभ के संकेत आपको मिल सकते हैं। रुका हुआ पैसा मिलने का भी योग बन रहा है। सरकारी कामों में सफलता मिलेगी, संतान से सुख मिलेगा, आर्थिक मामलों में दिन अच्छा रहेगा, इंटरव्यू में सफलता मिलने का योग है। जो भी काम सामने आए उसे पूरा मन लगाकर पूरा करने का प्रयास करें। आप दोस्तों के साथ समय बिताने या चर्चा करने के लिए बहुत उत्सुक रहेंगे। भविष्य के लिए कुछ योजना आप ठोस तरीके से तैयार कर सकते हैं। किसी व्यक्ति विशेष से आपकी मुलाकात होगी या चर्चा हो सकती है और लंबी चर्चा के दौरान आपको ही फायदा होगा। उपाय के रूप में एक बूंद गंगा जल पीना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 9 होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। चली आ रही कोई परेशानी लगभग समाप्त हो जाएगी, आपकी तारीफ होगी। आपके सामने बहुत से काम रहेंगे। दिन थोड़ा समय दोस्तों के साथ चर्चा में व्यतीत होगा और अच्छे काम आपके द्वारा होंगे। बड़े लोग और अधिकारियों की नजर में आपकी अच्छी इमेज बनेगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपका पक्ष मजबूत होगा। शत्रुओं पर सावधान रहे। जिस चीज की आपको जरूरत है उसकी व्यवस्था हो जाएगी। और उपाय के रूप में यदि आप शक्कर और चावल खाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 8 होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। मन में उठने वाले सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे और कार्यक्षेत्र में सोच समझ करके आपको काम करना चाहिए। पार्टनर से अच्छी सलाह मिलेगी। घर के कामों में आपकी व्यस्तता रहेगी। कोई नया काम आप घर से शुरू करने पर विचार कर सकते हैं। आपका ध्यान महत्वपूर्ण कामों पर रहेगा। कई प्रकार की जिम्मेदारी वाले काम अचानक आपके सामने आ सकते हैं। अचानक कोई खास काम आपके दिमाग में आ जाएगा। यात्रा की योजना आप बना सकते हैं। पैसों से जुड़ा फायदा होगा। उलझा हुआ काम भी आपका बन सकता है। पैसा आपका जो अटका हुआ है वह भी वापस मिल सकता है। किसी व्यक्ति विशेष से आपको अच्छी मदद मिलने वाली है। किसी काम के लिए होने वाली यात्रा या चर्चा आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। उपाय के रूप में भोजन के बाद गुड़ खाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 7 होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। आपका ध्यान परिवार और पैसों से जुड़े मामलों पर रहेगा। सजावट के सामान या कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु खरीदने का आप विचार कर सकते हैं। आज आप पुरानी बातों को सुलझाकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। दुश्मनों पर आपकी विजय होगी और आपकी बुद्धिमत्ता से आपके घर के सभी काम पूरे हो जाएंगे। जरूरत की प्रत्येक वस्तु की व्यवस्था हो जाएगी। सावधान रहे, किसी खबर के कारण आपको मानसिक या शारीरिक थकावट हो सकती है। जोश जोश में कोई भी गलत काम न करे। विवादों में पड़ने से बचे। कोई नया खर्चा आपको नहीं करना चाहिए। पैसों की बचत का तरीका आपको निकालना चाहिए और परिवार के आवश्यकताओं पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। उपाय के रूप में यदि आप अपने घर के मंदिर में मिश्री का भोग लगाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 5 होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मन को सकारात्मक, शांत और संतुलित रखने का प्रयास करें। आपके ऊपर किसी न किसी नकारात्मक सोच का असर नहीं पड़ेगा। शांत रहने का प्रयास करें। परेशानियों की गहराई में जाकर उसे सुलझाने का प्रयास करें, उसमें सफलता मिलेगी। अपनी अजीब भावनात्मक स्थिति के बावजूद आप दूसरों की मदद करने में सफल हो जाएंगे। कारोबार में धन लाभ होगा। किसी नई योजना से अचानक आपको फायदा मिल सकता है। और उपाय के रूप में अपने घर के मंदिर में यदि एक फूल चढ़ा देंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 3 होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। दिमाग आपका तेज चलेगा। दूसरों के कामों में आप अपना काम पूरा करवा सकते हैं।
ऑफिस में आपका एक काम समाप्त होगा तभी दूसरा काम शुरू हो जाएगा, और चाहने वाले लोग आपकी मदद करेंगे उनकी खातिर को त्याग भी आपको करना पड़ेगा। परिवार का ध्यान विशेष रूप से देने की आवश्यकता है। खुद को तनाव मुक्त रखें और घर में बैठे बैठे कोई ऐसा काम आप करें जिससे आपको लाभ तो मिले रचनात्मक तरीके से आपका सम्मान भी बढ़ सकता है। और उपाय के रूप में यदि आप भोजन के बाद कोई भी मीठी वस्तु खाएंगे तो आपका दिन सफलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 7 होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। अपने किए गए कामों से आप बहुत आशा में रहेंगे। नए विचारों नए तरीके से अपने काम निपटा सकते हैं, इसमें आपको फायदा होगा। आप अपनी बात को इतने कलात्मक ढंग से रखेंगे कि सुनने वाले लोग आपसे सहमत हो जाएंगे। परिवार के कई मामलों पर ध्यान देना होगा, परिवार को आपकी मदद की आवश्यकता होगी। संतान के साथ आपके संबंधों को लेकर कई प्रकार के विचार आपके मन में आ सकते हैं। ये विचार आपके परिवार के किसी खास मामले से जुड़े हुए रहेंगे। दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक रहेगा, परिवार के साथ अच्छे से समय व्यतीत भी होगा। उपाय के रूप में यदि आप भोजन के साथ कोई भी पीली वस्तु का उपयोग करेंगे तो आपका दिन सफलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 8 होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।